আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। বিসমিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিসসালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ ওয়া যারুল বাইআ যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন। দীনি মিল্লি ভাইও, জুমা কা দিন मुबारक और बाबरकत दिन है। बाज़ रवायतों में इसे हफ्ते की ईद करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन बेहतरीन दिनों में से एक है और इसकी फजीलत के लिए ये बात ही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान मजीद की 114 सूरतों में से एक सूरत सूरह जुमा के नाम से नाजिल फरमाई है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जुमा के दिन के बहुत सारे अहकाम वो मसाइल हैं। हमारे ऊपर हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि उन सुन्नतों की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों की इत्तबा करें। उन्हीं में से एक चीज़ ये है कि इंसान जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़े, क्योंकि जुमा के दिन पढ़ा गया दरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। इंसान गुस्ल का एहतमाम करे, इंसान खुशबू लगा करके मस्जिद जाए, इंसान मिसवाक करे, जुमा की नमाज के लिए मस्जिद निकलने में जल्दी करे, क्योंकि फरिश्ते हाजिरी लेते रहते हैं। मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। और इसी तरह से एक और बहुत ही अहमियत वाली चीज़ है कि इंसान जुमा के दिन दुआ की कबूलियत की जो घड़ी है उसको तलाशे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो भी मर्द मोमिन उस घड़ी को जुमा के दिन पा लेता है और जो भी खैर की दुआ करता है रब्बुल आलमीन उसे शर्फ़े कबूलियत से नवाजता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तू हम सबको इन आमाल व अफ़आल की अंजाम दही की तौफीक इनायत फरमा दे। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन। वसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।